कॉफी विद करण शो में जाकर महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करना केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को भारी पड़ गया। इन दोनों खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बीसीसीआई इन दोनों के खिलाफ जांच कमेटी बिठा दी है, तब तक इन दोनों खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इन दो खिलाड़ियों के बाहर जाने के बाद दो नए खिलाड़ियों की टीम में वापसी भी हो गई है और ये दो नए खिलाड़ी हैं विजय शंकर और शुभमन गिल। विजय शंकर जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही टीम इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे, दो वनडे मैच खेले जाने अभी ऑस्ट्रेलिया में। वहीं शुभमन गिल जिन्होंने न्यूजीलैंड में अंडर 19 वर्ल्ड कप में कमाल की बल्लेबाजी की थी और भारत को ट्रॉफी जिता कर दी थी, एक बार फिर से उन्हें मौका मिला है कि न्यूजीलैंड दौरे पर एक बार अपने हुनर से टीम इंडिया को प्रभावित करें और इस टीम में अपनी जगह बनाए। वहीं न्यूजीलैंड दौरे पर चुने जाने के बाद शुभमन गिल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने वहां अंडर 19 विश्व कप खेला है, अब दोबारा मेरे पास मौका है, मैंने वहां अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं कह सकता हूं कि वहां तकनीक से इससे ज्यादा सामंजस्य नहीं बिठाना होता है। अगर मुझे यहां पे मौका मिलता है तो मैं फिर से वैसा ही प्रदर्शन करूंगा जैसा मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में किया था। और भारतीय टीम को भी यहाँ पे जरूरत है कि शुभमन गिल जैसा तेज तर्रार बल्लेबाज जिसको जूनियर युवराज के नाम से जाना जाता है यहाँ पे भारतीय टीम की झोली में जीत ला कर दे। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।